दोस्तों आज एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी का आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, जिसे हम ग्रामीण कोटा फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का आईपीओ का डिटेल्स क्या है और हम इसका एनालिसिस करेंगे इसके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट का, उसमें चेक करेंगे कि इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। मोर देन 50 रिस्क फैक्टर उन्होंने दिखाए हैं, तो हम इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इस कंपनी में पॉजिटिव क्या है जिससे कि हम इस आईपीओ में पैसे लगाएं। और मैं फिर अपना ओपिनियन भी बताऊंगा और टेंटेटिव डेट्स इस आईपीओ का कब लिस्टिंग हो रही है और हम इसका देखेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। तो चलिए देखते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, लेकिन एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था 1991 में वेस्ट बंगाल में। ये रूरल एरिया में वोमेंस के ग्रुप को माइक्रो फाइनेंस करती है, उनके छोटे मोटे कामों के लिए उनको फाइनेंसिंग करती है बिना किसी सिक्योरिटी के, बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन पे। तो इसका अगर मार्च 31, 2018 तक इसका देखें तो ये 8 स्टेट में ऑपरेट करती है, जिसमें 85% बिजनेस इनका कर्नाटक और महाराष्ट्र से है और उसके उन्होंने एक्सपेंड किया ऐसे तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला, गोवा और पुडुचेरी में और आगे भी एक्सपेंड करेंगे। तो इसके कारण इसका फ्यूचर भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इस आईपीओ का डिटेल्स क्या है। इस कंपनी का नाम है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड। इसका जो इशू साइज है, इसमें दो तरह का इशूज है, एक तो आईपीओ है, दूसरा ओएफएस है। एक तो आईपीओ है 630 करोड़ का और दूसरा ओएफएस है 501 करोड़ का। ये जो 501 करोड़ है ये जाएगा इनके प्रमोटर्स के पास, 630 करोड़ एक्चुअली जाएगी कंपनी के पास जिसे वो अपने कैपिटल बेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस आईपीओ का फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। इसका प्राइस रेंज है 418 to 422। लॉट साइज है 35 इक्विटी शेयर का एंड आप अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम 35 इक्विटी शेयर एंड मल्टीपल ऑफ 35। बिडिंग पीरियड होगा 8 अगस्त मींस आज से लेकर 10 अगस्त तक। इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं क्रेडिट एक्सेस एशिया एनवी, जो कि नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है और ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनके बहुत सारे ब्रांचेज हैं इंडिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस में, मतलब साउथ एशिया में है। ये 2006 से काम कर रही है कंपनी। तो चलिए देखते हैं इसके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट का और एनालाइज करते हैं इसमें रिस्क फैक्टर क्या है। तो मैं आपको ले चलता हूँ इसके पेज नंबर 17 पे, जहाँ पे इन्होंने रिस्क फैक्टर के बारे में बताया है। ये जो माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं वो एक्चुअली अनसिक्योर्ड लोन होता है और वो ऐसे लोगों को देते हैं जिनका एनुअल हाउस होल्ड इनकम 160,000 या उससे लेस हो अर्बन एरिया में, और ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में जिनका एनुअल हाउस होल्ड इनकम 1 लाख या उससे कम हो। तो ऐसे लोगों को ये लोन देते हैं जिनके पास बैंक गारंटी के लिए कुछ नहीं होता, नॉर्मल बैंक से लोन मिलना मुश्किल होता है, ऐसे लोगों को ये लोन देते हैं जो कि एक अनसिक्योर लोन होता है। इससे क्या होता है कि इनका एनपीए बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है। उन्होंने खुद लिखा है अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में, एन इंक्रीज इन आवर पोर्टफोलियो ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उन्होंने बताया कि जो इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है एनपीए, वो लास्ट ईयर मार्च 31, 2017 में 0.08% था, जो कि 0.08% था मार्च 31, 2017 में। मतलब इनका टोटल एनपीए था 2.5 करोड़ रुपीज़, जो कि इंक्रीज हो गया इस साल मार्च 31 तक इनका एनपीए बढ़कर 98 करोड़ का हो गया है, जो कि 1.97% है। मतलब वन ईयर में ऑलमोस्ट 1.9% इनका एनपीए इंक्रीज हो चुका है क्योंकि एक अनसिक्योर लोन देते हैं। तो ये इनका रिस्क फैक्टर है, लेकिन इसी रिस्क फैक्टर से मैं आपको एक पॉजिटिव बात बता रहा हूँ कि इनका जो फाइनेंसिंग होता है ग्रामीण एरिया में होता है, रूरल एरिया में ज़्यादा होता है जिनका कि एनुअल इनकम 1 लाख से कम होता है। मतलब ये लोन जो देते हैं किसी बड़े पार्टी को लोन नहीं देते हैं, कोई बड़ा अमाउंट लोन नहीं देते हैं कि कोई इसे लेकर इंडिया से बाहर चला जाए, तो ऐसे लोगों को लोन नहीं देती है। तो रिकवरी बाद में किया जा सकता है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखें तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी 98 करोड़ का हो चुका है, अगर पिछले 5 ईयर्स का इनका एनपीए देखें तो 2017 में इनका बहुत ही कम था, 2015 में 4 लाख था, 2016 में 1.9 करोड़ हो चुका है, 2017 में 2.5 करोड़ और 2018 में 98 करोड़ हो चुका है। और इनका परसेंटेज भी देखें एनपीए रेशियो, तो अभी इंक्रीज होकर 1.97% है, जो कि फिर भी कम है क्योंकि ये नोटबंदी के कारण हुआ था, लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे थे अपने लोन का। जिनको भी उन्होंने लोन दिया उनसे रिकवरी किया जा सकता है, कोई भी इंडिया से बाहर जाने वाले नहीं है, सब छोटे ग्रामीण लोग हैं। और आगे देखते हैं इनका जो अदर रिस्क फैक्टर है।
इन्होंने खुद बताया कि अनेबल टू मैनेज आवर ग्रोथ इफेक्टिवली, क्योंकि इनका लोन जो है छोटे छोटे लोन होता है लेकिन बहुत सारे कैटेगरीज में होता है। जैसे कि ये देते हैं होम इम्प्रूवमेंट के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए इमरजेंसी लोन देते हैं, इंडिविजुअल रिटेल फाइनेंस के लिए देते हैं, टू व्हीलर लोन्स के लिए देते हैं। तो लोन कैटेगरी इनका बहुत सारा है, इसलिए वो खुद ही बोल रहे हैं कि शायद वो आगे ग्रोथ को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते। अदर इस फैक्टर उन्होंने बताया है कीप चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अब कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, नए नए बैंक आते जा रहे हैं तो कंपटीशन भी बढ़ेगी और RBI का रूल के अनुसार इंटरेस्ट रेट भी चेंज होता रहता है, तो उसको इन्होंने एक रिस्क फैक्टर बताया है। इनका एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर उन्होंने जो बताया है, जो मैं भी मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, इनके जो प्रमोटर है वो पहले भी एक ऐसे ही फाइनेंस कंपनी का प्रमोटर बन चुके हैं जिसका नाम था सहायता माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, और ये सहायता माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कुछ फ्रॉड हुई थी। उसके जो वर्कर थे उन्होंने बहुत सारे फेक एक्सपेंसेस दिखाए और उस पर इनका इंटरनल कंट्रोल सही नहीं हो पाया, अकाउंटिंग में माल प्रैक्टिस हुआ है, फेक एक्सपेंसेस दिखाए गए, उनका इंटरनल कंट्रोल ठीक से नहीं कर पाए, बहुत कुछ ओवर एक्सपेंडिचर हुआ और उन्होंने सुपरविजन भी नहीं किया, तो एक फेलुअर हो चुके हैं पहले एक कंपनी में। सेम प्रमोटर्स का ये नेक्स्ट रिस्क फैक्टर उन्होंने बताया कि कंपटीशन फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी आ रही है, बहुत सारे बैंक्स आ रहे हैं, तो उनसे कंपटीशन भी बढ़ेगा, तो हो सकता है फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट कुछ आए। जैसे उन्होंने कंसिडर किया है भारत फाइनेंशियल इंक्लूसन लिमिटेड, जन लक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज, उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, तो ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल कंपनी हैं जो कि ग्रामीण इलाके में माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं, तो उनसे इनका कंपटीशन हो सकता है, इनके प्रॉफिट पे इंपैक्ट आ सकता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका पेज नंबर 39, जहाँ उन्होंने एक रिस्क बताया है, रिस्क रिलेटेड टू इंडिया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसका जो प्रमोटर्स हैं वो न्यूजीलैंड बेस्ड कंपनी है और उन्हें इंडियन इकोनॉमी जो जिसमें कभी बहुत सारे चेंजेज आए हैं और अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर से कुछ और भी चेंजेज आ सकते हैं, उसका इम्पैक्ट इनके बिजनेस पे पड़ सकता है, वो इसका एक रिस्क फैक्टर है। मैं आपको ले चलता हूँ पेज नंबर 50 पे, जहाँ पे इसका फाइनेंशियल है। तो अगर आप इसके पिछले 5 साल का फाइनेंशियल देखें तो इसका जो टोटल एक्टिव लोन है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ। अगर 5 ईयर्स पहले देखते हैं तो इनका जो टोटल लोन अकाउंट था वो 1000 के आसपास था, जो कि अभी इंक्रीज होकर 3190 लोन अकाउंट्स हो चुके हैं। अगर इसका प्रॉफिट देखें तो लास्ट ईयर इसका प्रॉफिट था 802 मिलियन, जो कि अब 1246 मिलियन रुपीज़ हो चुका है, मतलब प्रॉफिट लास्ट 1 ईयर में 50% के आसपास बढ़ा है लेकिन NPA 2% बढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है अभी NPA पे। लेकिन अगर आप इस IPO में पैसे लगाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा, एवरी क्वार्टर इसका रिजल्ट देखना होगा कि इनका NPA कितना इंक्रीज हो रहा है। अगर NPA अगर ज़्यादा इंक्रीज होता है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। इसमें हमें आपको बताने जा रहा है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर इसमें आप देखें तो जो सबसे बड़ा परसेंटेज है 98.8% वो है CAA के पास, जो कि नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है, एंड रिमेनिंग जो है इसके जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके पास है। इस कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और इनका क्रेडिट रेटिंग भी बहुत ही अच्छा है। अभी जो लास्ट अगर देखिए ICRA लिमिटेड ने इसका आउटलुक चेंज किया स्टेबल टू पॉजिटिव, तो आउटलुक भी पॉजिटिव है। और इसका मैं दिखा दूँ इसका डिविडेंड पॉलिसी क्या है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जो इसका डिविडेंड पॉलिसी है, उन्होंने अभी बताया है कि देयर इज नो गारंटी इन दैट द एनी डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड और पेड इन द फ्यूचर। उन्होंने कोई गारंटी नहीं लिया कि कितना वो डिविडेंड पे करेंगे, लेकिन फ्यूचर में ये डिसाइड होगा कि कितना डिविडेंड देना है या नहीं देना है। चलिए मैं एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ बताता हूँ इस कंपनी के बारे में, वो है इस कंपनी के डायरेक्टर का बायोग्राफी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है इनके पास। तो इनके जो डायरेक्टर हैं, इनके जो MD हैं और CEO हैं उदय कुमार, वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और उन्होंने कई बैंकों में सर्विस कर चुके हैं। बार्कले बैंक में काम कर चुके हैं, कॉरपोरेशन बैंक में काम कर चुके हैं 10 साल के लिए, ICICI बैंक में 11 साल काम कर चुके हैं। इसके जो दूसरे डायरेक्टर हैं अनिल कुमार जैन, ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं विप्रो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मार्केटिंग के में 3 ईयर्स के लिए, तो इनके पास मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस है। इनके जो एक और डायरेक्टर हैं आर प्रभा, वो केनरा बैंक में 35 ईयर्स तक काम कर चुके हैं।
फिर आप इनके जॉर्ज जोसेफ को देख लीजिए, उन्होंने केंद्र में 36 ईयर तक जनरल मैनेजर के पोस्ट तक उन्होंने काम किया है। गोपीनाथ को देख लीजिए, उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में 25 साल के लिए काम किया है, ICICI बैंक में 10 साल के लिए काम किया है। तो इनके जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस है बैंकिंग का और मार्केटिंग का भी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी के बारे में एक चीज़ और बता दूँ कि इन्होंने जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में अपने रिस्क फैक्टर के बारे में बताया है, तो उन्होंने मोर देन 50 रिस्क फैक्टर का जिक्र किया है और उसमें काफ़ी कुछ उन्होंने खुद बताया है, जैसे कि सहायता माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जो फ्रॉड हुआ उसके बारे में बताया है, बहुत कुछ बताया है। तो इससे देखने से लगता है कि इसके मैनेजमेंट थोड़ा ऑनेस्ट है, ऑनेस्टली सब कुछ बता रही है, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो चलिए मैं इसका एनालिसिस का समरी बता देता हूँ जो अभी मैंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में देखा है। तो जो इसका रिस्क फैक्टर है, तो मैंने पहला रिस्क फैक्टर देखा कि एक माइक्रो फाइनेंस लोन देती जो कि अनसिक्योर लोन देती है, जिससे कि इसका NPA बढ़ सकता है, जो कि NPA लास्ट ईयर से इस ईयर में काफ़ी बढ़ा है, 2.5 करोड़ से 98 करोड़ तक हो गया है। और इन्होंने खुद बताया कि इनका जो ग्रोथ है उसको ठीक से शायद मैनेज ना कर पाएँ। और इन्होंने जो बताया कि इनके जो प्रमोटर हैं वो दूसरे फाइनेंसिंग कंपनी में भी इन्वेस्ट कर चुके हैं जिसका नाम था सहायता माइक्रो। इसका जो प्रमोटर है पहले भी एक फाइनेंसिंग कंपनी सहायता माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिसमें कि बहुत कुछ फ्रॉड हुआ है, फेक एक्सपेंसेस दिखाए गए, फेक लोन्स दिखाए गए और फेक ट्रांजेक्शन्स दिखाए गए, इंटरनल कंट्रोल उस पर सही नहीं था, लेक ऑफ इंडिपेंडेंस ऑडिट था, लेक ऑफ रिव्यू ऑफ एक्सपेंडिचर था, NPA भी बहुत कुछ ज़्यादा हुआ उसमें, और उसमें सुपरविजन भी ठीक से नहीं हो पाया। और इनका जो कंपटीशन है बहुत सारे बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है। इन्होंने अभी तक अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना, जिससे इसका मिलता जुलता नाम रख के कोई और इसका फ़ायदा ना उठा सके। इसके जो प्रमोटर हैं CEA, उनका और भी इन्वेस्टमेंट है सिमिलर कंपनी में, सिमिलर टाइप कंपनी अदर कंट्री में, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि किसी भी समय यहाँ से पैसे निकाल के वो दूसरी जगह लगा सकते हैं। और इंडियन इकोनॉमी को एक अपना रिस्क मानते हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ चेंजेस हो रही है, इसे वो एक रिस्क मानते हैं। लेकिन जो मुझे इसमें पॉजिटिव दिख रहा है वो है इसका ऑनेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मोर देन 500 ब्रांचेज हैं इनके। इनके जो मैनेजमेंट के पास वेरी स्ट्रॉन्ग बैंकिंग एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में दिखाया इनके डायरेक्टर का एक्सपीरियंस, वो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। इसका फाइनेंशियल मैं पहले ही आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में दिखा चुका हूँ। अब इस पर जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि इसे लिस्टिंग गेन के लिए अवॉइड करें। हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन ना हो और आपको लिस्टिंग गेन ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा IPO लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा स्टॉक्स लग रहा है। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बीच बीच में इसके क्वार्टरली रिजल्ट में आपको देखना होगा कि इसका NPA कितना इंक्रीज हो रहा है। अगर क्योंकि इस अनसिक्योर लोन देते हैं तो NPA इंक्रीज होने का चांसेस ज़्यादा है। तो कहने मतलब ये कि अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें ग्रोथ भी बहुत आ सकती है लेकिन रिस्क भी बहुत रहेगी। मैं आपको एक पर्सनल डिस्क्लोजर दे दूं कि मैं इसे IPO में अप्लाई कर रहा हूं और मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, और बीच बीच में इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट होगा उसमें मैं देखता रहूंगा कि इनका NPA कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, इनका ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट कैसा, उसके हिसाब से मैं आगे डिसीजन लूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्दर अपडेट इस पर देता रहूँ तो मैं इसका अपडेट मैं अपने इस ब्लॉग पे shareaajtak.com पे डालता रहूँगा, आप इसे टाइम टू टाइम आप इसे चेक कर सकते हैं। इसका जो IPO अलॉटमेंट का जो टेंटेटिव डेट है वो है, अलॉटमेंट होगा 16 अगस्त तक और इसका रिफंड आएगा 20 अगस्त तक, और इसका जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगा वो 23 अगस्त को स्टार्ट होने का अनुमान है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग पूछते हैं, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है आज का GMP है 35 रुपीज। तो ये एक इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव ही रहेगा, इसका लिस्टिंग पॉजिटिव ही रहेगा। दोस्तों अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन साथ में कमेंट में लिख के मुझे ये बताइए कि आप इस वीडियो में और क्या अच्छा चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ताकि आगे वाले आने वाले वीडियो में मैं और अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकूँ, अच्छे वीडियो बना सकूँ। और प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।